नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं 2019 की पहली 100 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। विक्की कौशल का बेहतरीन अभिनय, आदित्य धर का बेहतरीन डायरेक्शन और भारतीय सेना का पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। फिल्म के कंटेंट को लोग पहले से जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म को इस तरह से बनाया गया है कि लोग अंत तक फिल्म से जुड़े रहते हैं। फिल्म में एक्शन सीन बहुत हैं और यही इसकी यूएसपी भी है। जो लोग देशभक्ति से जुड़ी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिन्हें वार फिल्में पसंद आती हैं, वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को काफ़ी पसंद करे हैं। विक्की कौशल ने बहुत अच्छा अभिनय किया है फिल्म में। यामी गौतम तो काफ़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन उनका ज़्यादा रोल नहीं था। विक्की कौशल एक ऐसे आर्मी ऑफिसर के रूप में फिल्में हैं जिन जिनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी जिम्मेदारी है। उन्हीं को सब कुछ प्लानिंग करना था और उन्हीं को इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना था। इस चीज़ को आदित्य धर ने 2.25 घंटे की फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। जो लोग फैमिली ड्रामा या फिर रोमांटिज्म के पसंद करने वाले हैं, उनके लिए फिल्म थोड़ा लीक से हटकर है, लेकिन जो वार फिल्में पसंद करते हैं, उन दर्शकों के लिए ये फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग है। क्योंकि देशभक्ति के कंटेंट से जुड़ी हुई फिल्में हमेशा हिंदुस्तान में सुपरहिट रही हैं, वो हकीकत हो, बॉर्डर हो, LOC कारगिल हो या फिर कोई और। सर्जिकल स्ट्राइक उरी भी एक ऐसी फिल्म है जो लंबे समय तक लोगों को याद रहेगी। क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना का एक गौरव गाथा थी और उरी सेक्टर में हमारे जवानों के ऊपर फियाई दिन हमले के बदले के रूप में जो हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इसका क्या अंजाम था और किस तरह से ये सब प्लानिंग करके इसको अंजाम दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म को आदित्य धर ने अपने निर्देशन से कंटेंट को इतना तीव्र बनाया है कि लोग अंत तक फिल्म से जुड़े रहते हैं। फिल्म के डायलॉग फिल्म की एक एक्स्ट्रा यूएसपी है। कई बार फिल्म में बहुत बेहतरीन डायलॉग हैं, जैसे कि एक डायलॉग है जिसकी बहुत ही चर्चा हो रही है जगह जगह। फिल्म का डायलॉग है जो विक्की कौशल पर ये डायलॉग फिल्माया गया है। फिल्म का डायलॉग है कि उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो दर्शकों की तालियां बटोरने में सफल हुए हैं। चूंकि फिल्म वार फिल्म है और देशभक्त की भावना से ओतप्रोत है, तो फिल्म जाहिर सी बात है 100 करोड़ के क्लब में पहुंचनी ही थी। हो सकता है ये फिल्म और अभी आगे तक जाए और ब्लॉकबस्टर साबित हो, लेकिन विक्की कौशल के कैरियर के लिए ये फिल्म बहुत ही अच्छी साबित होगी। क्योंकि टीवी पर काफ़ी फेमस हो चुके मोहित रैना भी फिल्म में एक बेहतरीन किरदार में है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया भी है। फिल्म के एडिटिंग की बात करें तो फिल्म का संपादन बहुत ही बेहतरीन है। एक्शन सीन्स और कलरिंग बहुत अच्छे से किया गया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के कंटेंट के हिसाब से बेहतर है और अच्छा लगता है। फिल्म को फिर से देखने का इरादा हर ऑडियंस हर व्यक्ति का जरूर रहेगा। मैं फिल्म की रेटिंग को देता हूँ 4 मार्क्स और फिल्म की बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 4। तो मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए। आप जाइए और नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर देखिए। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की बेहतरीन फिल्म रहेगी। विक्की कौशल और आदित्य धर दोनों ने ही
बहुत ही बेहतर काम किया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी फिर मैं किसी दूसरी फिल्म के बारे में आपको अवगत कराऊंगा, ताकि आपको पहले से ही मालूम हो सके कि फिल्म को देखने के लिए आप जा रहे हैं तो आपका पैसा, आपका वक्त सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें आप टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं और फिल्म आपको मायूस करती है। लेकिन पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैं कहूँगा, जो लोग वार फिल्में पसंद करते हैं उनके लिए फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग साबित होगी और आपका पैसा और आपका टाइम दोनों पूरी तरह से इस्तेमाल होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा फिल्म देखने में। तो जाइए एक बार, इस फिल्म का लुत्फ उठाइए। देशभक्ति की नई ट्रेंडिंग फिल्म है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक।